माउस इवेंट के अंदर जो है ना हम क्या कर देते हैं, 27 डॉट, ठीक है, कर्सर चेंज करके मैंने इसका जस्ट एक सिंपल सा नाम रख दिया। अच्छा, उस इमेज को मैं डाउनलोड कर लेता हूं, जो मैंने क्या करनी है, सेव इमेज एज, और ये डाउनलोड्स के फोल्डर में चला गया। डाउनलोड्स के फोल्डर में से मैं उठा के उसको क्या करता हूँ, इधर IMG में लाके मैंने उसको छोड़ दी। ठीक है जी, star.webp इसका नाम रख दिया मैंने। HTML की तमाम चीजों को रिमूव कर दिया। HTML की तमाम चीजों को रिमूव करने के बाद मैंने H1 लगाया। मैंने कहा जी माउस इवेंट प्रैक्टिस, सही है, माउस इवेंट की मैंने प्रैक्टिस लगा दिया, और मैंने साथ में लगा दिया ये IMG और ये स्टार भी लगा दिया इस पर। ठीक है, विड्थ मैंने कह दिया इसको कि दी आपकी है 50 पिक्सल, राइट, और मैंने कह दिया जी कि गो लाइव। अब ये जो मेरे पास ये जो स्टार आ रहा है ना, इसको मैंने माउस के साथ चपकाना है। ठीक है, माउस जहां पे भी मेरा कर्सर है उससे थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा राइट पे, बिल्कुल माउस के ऊपर नहीं, थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा राइट पे ये मुझे चाहिए। तो अब ये काम कैसे करना है, मैंने सबसे पहले तो मुझे ये काम करना पड़ेगा कि माउस का इवेंट मुझे चाहिए। माउस के इवेंट के लिए मैं बॉडी पे लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा मैं, ऑन माउस क्या मूव, बॉडी के ऊपर रहते हुए जब भी माउस मूव करे तो मुझे वो मुझे इवेंट चाहिए। सही है, सही है। तो मैंने कहा कि जी वो बॉडी माउस इवेंट, ठीक है, अभी हमने इस तरह करके लगाया, वो एड इवेंट लिसनर करके भी लगा सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है, बल्कि अभी हम इसी को एड इवेंट लिसनर करके भी लगा के देख लेते हैं, दोनों तरीके ताकि आपको पता चल जाए। लास्ट क्लास में वो एड इवेंट लिसनर वाला कवर नहीं हुआ था, बुक में भी वो अभी अगले चैप्टर में वो कवर करेगा इस चीज को। तो बहरहाल मैंने कहा कि यार बॉडी माउस इवेंट ये पकड़ लिया मैंने, यहाँ पे आके जी मैं स्क्रिप्ट लगा देता हूँ, और स्क्रिप्ट के अंदर ये मैंने इक्वल्स टू अ फंक्शन लेट, अच्छा ये लेट पे नहीं होगा, ये इसके ऊपर मैं लगाऊंगा विंडो डॉट, सही है, विंडो डॉट लगाऊंगा मैं उसको, मैं क्योंकि टाइप मॉड्यूल करने लगाऊ ना, ठीक है, तो टाइप मॉड्यूल में क्या होगा कि विंडो डॉट करके लगाएंगे तो फिर ये इधर अवेलेबल होगा, अदरवाइज वो फिर वो कहेगा कि भाई तो मुझे मिल नहीं रहा, अगर टाइप मॉड्यूल नहीं लगाते तो फिर सही है, फिर ओके है। अच्छा, अब यहां पे मुझे क्या मिलेगा, इवेंट मिलेगा, यहां पे भी मुझे इवेंट ऐसे लिखना पड़ेगा जब ही मिलेगा, क्योंकि यहां पे नहीं लिखूंगा तो इधर रिसीव नहीं होगा फिर, क्योंकि ये है आर्ग्यूमेंट, ये है पैरामीटर, कि पैरामीटर में मैं कहता हूं भाई ये चीज मिलेगी, लेकिन जब मैं कॉल करूंगा तो आर्ग्यूमेंट दे के कॉल करूंगा मैं, हर दफा आर्ग्यूमेंट अलग हो सकता है, ये फंक्शन में हमने डिस्कस कर लिया था। अब इस इवेंट के ऊपर मुझे क्या करना है, इवेंट के कॉन्सोल डॉट लॉग पे मैंने इस इवेंट को प्रिंट करा लिया, ठीक है, इस इवेंट को मैंने प्रिंट करवा लिया, ये बात हो गई। अच्छा, अब ये इवेंट कितनी दफा प्रिंट होगा, ये बहुत दफा मूव होगा, माउस मूव पे लगाया ना मैंने, तो बॉडी के ऊपर जब माउस एक पिक्सल मूव होगा ना तो ये एक दफा प्रिंट होगा, एक पिक्सल और होगा तो एक और, तो मैंने अगर यूं माउस इस कोने से उस कोने तक किया ना स्क्रीन के, तो ये शायद 1000 दफा चल जाएगा, क्योंकि 1000 पिक्सल की स्क्रीन है मेरी, सही है। तो बहरहाल अभी मैंने इसको प्रिंट इसलिए किया ताकि मैं इसमें देख सकूं कि मुझे माउस की पोजीशन कहां पे मिलती, कौन से पॉइंट पे मिलती है, ठीक है, वो ऑफसेट एक्स ऑफसेट वाई करके ही मिलेगी ऑब्वियसली। ठीक है, मैं चला जाता हूँ जी अपने कॉन्सोल पे, और यहाँ पे आप देखें अभी मैं ये माउस मूव कर रहा हूँ, बॉडी के ऊपर नहीं हूं मैं तो नहीं मिल रहा मुझे, मैं जैसे ही बॉडी के ये बॉडी के ऊपर मैं गया ना, देखो ये मिलना शुरू, कितनी बार चल गया, सही है, इसको आप खोल के देख लेते हैं जरा, अच्छा ये ऐसे नहीं पता चलेगा मुझे ना, इस कोने से मैं इसको निकालता हूं, इस कोने पे क्या आनी चाहिए पोजीशन, इस कोने पे जो y है वो 0 आना चाहिए और x जो है उसका मैक्सिमम आना चाहिए, x का जो भी मैक्सिमम है,
क्योंकि 0 0 तो इस कोने पे है ना, 0 0 जो है वो यहां पर है, और ये जो पॉइंट है मेरा, ये जो पॉइंट है मेरा, ये वाई यहां से शुरू है ना, ऊपर से नीचे की तरफ है, तो इस कोने पे अगर मैं माउस को लेके जाता हूं बॉडी के ऊपर, भाई क्या हुआ, इवेंट क्यों नहीं मिल रहा, वेल ठीक है, लेयर एक्स लेयर वाई ये आ गया ना, पेज एक्स पेज वाई, बात ही खत्म हो गई कि पेज के ऊपर जो क्या पोजीशन है वो मुझे मिल गई, तो मेरा ख्याल है पेज एक्स पेज वाई मेरे लिए गुड इनफ है, ठीक है, पूरे स्क्रीन पे भी मुझे मिल गया कि पूरे स्क्रीन पे कहाँ है, लेकिन मुझे पेज पे एचटीएमएल के पेज पे मुझे चाहिए ये, ठीक है, मुझे पूरी स्क्रीन पे नहीं चाहिए, तो जी पेज एक्स पेज वाई को मैं पकड़ लेता हूँ, अब पेज एक्स पेज वाई को मैं पकड़ूंगा कहाँ पे भला, इवेंट डॉट पेज एक्स पेज वाई है ना डायरेक्टर, पेज एक्स, और उसके बाद क्या है जी मेरे पास, इवेंट डॉट पेज वाई, ठीक है, तो ये एक्स वाई आ गया मेरे पास, अब इस एक्स वाई पे मैंने क्या करना है, इन दोनों एक्स वाई का मैंने कुछ तो करना है ना, क्या करना है, मैंने मुझे इस पिक्चर को उठा के ना इस एक्स वाई पे लेके जाना है समहाउ, ऐसा ही है ना, अब मैंने क्या किया, जस्ट एक्स वाई को प्रिंट करवाया, ये जो जगह है ना देखो, काइंड ऑफ ये 0 0 है, सही है, और ये जगह मेरी मैक्सिमम है, ये क्या हो रहा है यार, एक मिनट जरा बॉडी को मैं कलर देके देखूं, ये क्या हो क्या रहा है, बॉडी को ना मैं थोड़ा सा कलर देके देखता हूँ कि ये बॉडी किधर तक है, बैकग्राउंड कलर एज योर, ये समहाउ मुझे कभी ना इस पे इवेंट नहीं मिल रहा, ये क्या चक्कर है, ये क्या चक्कर है, वो नहीं, ये फॉरन मिलना चाहिए भाई, फॉरन मिलना चाहिए, जब मैं कॉर्नर से हल्का सा इन कर रहा हूं ना इस पे, तो ये अच्छा, अब ये कोने कोने तक दे रहा है, लेकिन जब मैं चलो वेल, अब अगला काम हमने ये करना है कि जी ये जो हमारा ये पिक्चर है ना, पिक्चर की को मैं स्क्रीन में किसी भी जगह ले जाना चाहूं तो ले जा सकता हूं ना, कैसे ले जा सकता हूं, पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूंगा या फिक्स कर दूंगा, क्या करूंगा मैं, फिक्स करना होगा मुझे पोजीशन, ठीक है, मैं पोजीशन फिक्स कर दूंगा स्क्रीन पे किसी भी जगह, तो वो उधर जाके फिक्स हो जाएगा, तो मैं अब ये कर सकता हूं ना कि जिधर मेरा माउस है उससे पोजीशन 10 पिक्सल थोड़ा आगे पीछे करके उसको वहां फिक्स कर दूं, फिर माउस मूव होगा वो फिर फिक्स चेंज होगा, फिर माउस मूव होगा फिर फिक्स चेंज होगा, मेरे कर्सर के साथ साथ घूमता रहेगा, फिर नहीं आ जाते हैं, फिर मैंने कहा कि जी ना अब यहां पे ये माउस के इवेंट के ऊपर ना आप क्या करोगे, पहले तो लेट पकड़ोगे आप, लेट स्टार इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट क्वेरी, बल्कि क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, हैश स्टार, ठीक है, इसको मैं आईडी दे देता हूँ एक अदद स्टार, ताकि इसी आईडी से मैं फिर उसको उठाता हूँ, और ये मेरे पास स्टार इधर आ गया, अब इस स्टार पे मैंने क्या करना है, जब भी मुझे ये इवेंट मुझे मिलता है ना, तो मैं कहता हूँ कि जी ये मुझे आप क्या कर दो, स्टार डॉट स्टाइल्स, ऐसे ही होगा डॉट, क्या करूंगा मैं, पोजीशन इक्वल्स टू फिक्स्ड,
आई एम नॉट श्योर कि ये इस तरह से होता है। सही है, आओ चैट जीपीटी से पूछते हैं, हम सब मिलकर आओ चैट जीपीटी से पूछें कि हाउ टू चेंज, हाउ टू चेंज पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट बाय जावास्क्रिप्ट। नहीं वो सब तो मैंने किया हुआ है ना, बस मुझे वो लाइन चाहिए कि वो क्या उसका है, वो क्या डॉट लगाऊंगा तो उससे चेंज होगा। हाँ स्टाइल डॉट पोजिशन एब्सोल्यूट, नहीं एब्सोल्यूट नहीं, मुझे फिक्स करना है, और टॉप लेफ्ट सही बता दिया इसने। ठीक है पोजीशन की स्पेलिंग गलत है भाई, जब ये वो लाइन बना के दे रहा था ना। ठीक हो गया जी, स्टार मैंने कहा कि जी फिक्स्ड, और मैंने कहा कि जी ये टॉप और लेफ्ट जो है ना, मुझे क्या चाहिए, वो चाहिए ये पेज एक्स पेज वाई वाला। अच्छा ये तो स्ट्रिंग में दे रहा है और ये मुझे मिल रहा है नंबर में, क्या करें इसको, डॉट टू फिक्स्ड, ये चलता है ना नंबर पे और देता है स्ट्रिंग है ये। ठीक हो गया, और पेज वाई पे भी लगा देते हैं यही। ये हो गया जी, आते हैं अब रिपोर्ट क्या है देख लेते हैं। नहीं पता चला इसको ऐसा क्यों हुआ वाला, क्या कोई एरर आया, एरर तो कोई भी नहीं आया। इस पे जरा हम वैसे ही करके देख लेते हैं कि जी टॉप अगर मैं उसको दूं जीरो, सही है जा तो रहा है। जा तो रहा है लेकिन इधर इसको चेंज नहीं कर रहा है। टू फिक्स पे मैंने कहा टॉप हो जाओ आपकी भाई जीरो और लेफ्ट हो जाओ आप जीरो, सही हो गया। अब मैं कहता हूँ अगर सौ, तो सौ के साथ पिक्सल लगाना होगा तो इसको फिर ये इस तरह नहीं देते हम, टू फिक्स करके नहीं, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का अब हम बैकटिक वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है और पी एक्स साथ में लगाना है मैंने इसके, राइट समझ आया ये क्यों नहीं हो रहा था, उसको पी एक्स भी देना था ना साथ में, पी एक्स लिखेंगे तो उसको पता चलेगा पिक्सल है। सही है तो यहां पे इतने पार्ट में 100 और उसके साथ पी एक्स, अब ये इसको, अब इसको समझ आएगी बात। लेकिन ये क्या हुआ, इवेंट फायर ही नहीं हो रहा, ये क्या चक्कर है यार। इवेंट जब फायर होता है जब तो ये मूव होता है, लेकिन इवेंट फायर होना बंद हो जा रहा है, ये क्या चक्कर है। इवेंट क्यों नहीं सही से फायर हो रहा, माउस का कोई और भी इवेंट होता है क्या जो मूवमेंट बताता है मुझे, ऑन माउस अप ऑन माउस व्हील, कैनवस तो है ही नहीं ना, बॉडी पे लगा हुआ ये। अच्छा एक काम करते हैं इसको जरा यहां से हटा के ना, इसको कहाँ लगा देते हैं हम, जावास्क्रिप्ट के अंदर आके हम लगा देते हैं। मैंने कहा कि जी वो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर बॉडी, सही है लेट बॉडी, और मैंने कहा कि जी बॉडी डॉट एड इवेंट लिसनर, ठीक है, और मैंने कहा कि जी माउस मूव, अच्छा जब यहां पे हम फंक्शन का को पास करते हैं ना तो जस्ट हम फंक्शन का नाम बताते हैं, फंक्शन को हम कॉल नहीं करते, सही है। ऐसा ही इसने भी किया हुआ था स्टैक ओवरफ्लो पे जो हम देख रहे थे थोड़ी देर पहले,
ठीक है, जस्ट फंक्शन का नाम बताते हैं, फिर वो फंक्शन को खुद ही कॉल करता है उसके उसको उसको उसके आर्ग्यूमेंट के साथ जो है ना वो खुद से कॉल करता है। क्या हुआ जी, बाई माउस बॉडी माउस इवेंट इज नॉट डिफाइंड। यार ये इधर चाहिए मुझे। हाँ बॉडी माउस इवेंट इज नॉट डिफाइंड बिकॉज मुझे अब लेट करके उसको बनाना होगा ना वो, क्योंकि अब स्क्रिप्ट के अंदर अंदर ही इस्तेमाल हो रहा है, बाहर इस्तेमाल नहीं हो रहा है ये। ठीक है जी, तो इसने मुझे बोला कि भाई बाई माउस इवेंट और व्हाट इज नेक्स्ट रेफरेंस बॉडी माउस इवेंट। अच्छा बिफोर इनिशियलाइजेशन कह रहा है, ये बनाना आपको पहले होगा और इसको इस्तेमाल आपने बाद में करना होगा। तो मैं इस फंक्शन को उठा के ऊपर ले जाता हूँ। सही, अपसेट हो गया ये, इवेंट अभी भी फायर नहीं हो रहा है, ये क्या चक्कर है यार। ये इसको लाइव सर्वर में मेरा ख्याल है कोई इशू है, लाइव सर्वर को बंद करके ना मैं सीधी तरीके से कॉपी पाथ चलाता हूँ इसका ना। नहीं ऊपर तो प्रोसेसर वगैरह तो ठीक है बिल्कुल, ये क्या हो रहा है भाई। चलो पूरा कोड इससे लिखवाते हैं अब, हम अपना पूरा कोड इसको दे दें। नहीं नहीं इससे पूरा कोड अलग से लिखवाते हैं, प्रॉम्प्ट देते हैं ना इसको हम, राइट अ वेबसाइट इन विच अटैच एन इमेज एलिमेंट विद द कर्सर। एंड एलिमेंट शुड मूव अलोंग विथ कर्सर वेयर एवर इट गोज। चलो भाई देखो अब इसका जादू। डॉक्यूमेंट के ऊपर भी डॉट इवेंट लिसनर लगा सकते हैं, हमने बॉडी पे लगाया ना तो डॉक्यूमेंट पे भी लगा सकते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट के अंदर बॉडी होती है। तो एक तो हमने ये मिस्टेक की है, हम इसको दुरुस्त कर लेते हैं। हम आगे बोलते हैं कि जी वो बॉडी पे नहीं आप लगाओ, आप लगा दो डॉक्यूमेंट के ऊपर। सही है, बॉडी की हमें जरूरत ही नहीं है। तो मे बी इसकी वजह से भी वो स्लो डाउन हो रहा था, बॉडी भी रीजन हो सकती है उसके स्लो डाउन होने। आप सही हो गया यार बिल्कुल, ठीक है मिस्टेक हमारी जो है वो यही थी। अच्छा दूसरा, हमने जो एक्स वाई की वैल्यू पकड़ी है ना वो इन्वर्ट हो गई है ना, वो इन्वर्ट हो गई। इसने कौन सी वैल्यू उठाई है, क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई की वैल्यू उठाई है। ठीक है, तो हम जो पेज एक्स पेज वाई जो ले रहे थे उसकी जगह हम क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई पकड़ लेते हैं। सही है, अभी भी इन्वर्टेड है। और इसने क्या डिफरेंट किया यार, वैसे तो इसका कोड भी सही चल रहा है या नहीं चल रहा है हमें नहीं पता, ये हमें नहीं पता ये बात कि इसका कोड कैसा है। अच्छा लेफ्ट पे एक्स है और टॉप पे वाई है ना, मैंने ये उल्टा कर दिया है। हाँ ये एक्स और वाई मैंने उल्टा कर दिया है, ये असल में वैल्यू तो पहले भी मैंने सही पकड़ी थी लेकिन जहां पे मैंने क्या देना था, जहां पे मैंने देना था टॉप टॉप टू बॉटम जो है वो एक्स एक्सेस है ना, और राइट टू लेफ्ट जो है वो एक्स एक्सेस है, तो वो मैंने अपोजिट कर दिया था जिसकी वजह से वो अपोजिट घूम रहा था। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास, अभी इसके साथ साथ घूमता रहेगा। अच्छा मुझे थोड़ा सा जो है ना कर्सर से थोड़ा सा राइट और थोड़ा सा बॉटम पे इसको करना है, तो मैं क्या करूँगा, जो भी मुझे वैल्यू मिली है उसमें मैं थोड़ा सा एक्स में इजाफा कर दूंगा
तो वो क्या होगा, थोड़ा सा राइट की तरफ हो जाएगा, और जो मुझे वाई की वैल्यू मिली उसमें भी थोड़ा इजाफा कर दूंगा, तो वो तो 10-10 पिक्सल में इसमें इजाफा कर देता हूँ, ठीक है, +10 +10, ठीक है। थोड़ा सा माउस से अब ये नीचे उतर गया है, वाई की वैल्यू को शायद मुझे 15-15 इंक्रीमेंट मारना चाहिए उसमें। वाई की वैल्यू को मैं क्या कर देता हूँ, 15 कर देता हूँ, बिल्कुल अब बेहतरीन जगह पे आ गया, जहां पे मुझे चाहिए था ये वहां पे आ गया, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम ये है कि भाई ये ना इसका एक तो ट्रांसपेरेंट नहीं है बैकग्राउंड, और दूसरा ये एनिमेटेड नहीं है, तो हमें कोई ऐसी पिक्चर उठानी है जो एनिमेटेड हो और जिसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो। एनिमेटेड स्टार्स, स्पार्कलिंग स्टार, ठीक है, जिफ भी लिख देता हूँ ना साथ में, एनिमेटेड जिफ लिख दूंगा मैं। ये आ गया ना एनिमेटेड जिफ यार, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि इसमें हिल क्या रहा है। अरे आ गया ना ये रहा, सही है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नहीं है अब इसका, ये क्या चक्कर है। यहां से जरा टूल्स में जाके देखते हैं कि क्या पता यहां से हमारे पास कोई ऑप्शन आ जाए। कलर ट्रांसपेरेंट, और टाइप जिफ, हाँ ये रहा ना, देखो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड भी हो गया और एनिमेटेड भी है, दोनों चीजें हो गई इसके अंदर। एक आध और जरा एक्सप्लोर कर लेते हैं हम, वेल इसमें वो दोनों चीजें हो गई हैं। मैं जरा इस वाली इमेज को अब लगाना चाहूंगा, अच्छा ये तो भाई इधर आ गया, ये क्या सीन है, इधर तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ, वो इधर तो एनिमेट नहीं कर रही। यार इससे ये डाउनलोड कैसे होता है, हाँ? नहीं मुझे ये इमेज डाउनलोड करनी है, हाउ हाउ कैन आई डू दैट, शेयर 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 ओरिजिनल, वेयर इज द एम्बेडेड, एम्बेडेड लिंक ये वाला नहीं, ये तो इसमें फिर मैं इसको मूव नहीं ना करा सकता, फिर इसमें वो जिफी का वो भी आ रहा होगा, एनिमेशन उसकी आ रही होगी वो जिफ लिखी हुई। यार इसको मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट से इसका यूआरएल उठा लेता हूँ ना, सही है, ये देखो ना यूआरएल मिल गया मुझे, यार कंट्रोल एस डाउनलोड्स, अगर इसको मैं वैसे ही GIF कर दूं तो, क्योंकि वो डाउनलोड करते हुए शायद कोई गड़बड़ कर रहा है। वाह स्लाइडें तो हैं इसमें पूरी यार, बस तो ये स्लाइडें पूरी हैं तो ये चलेगा, सही है, ये सही हो गया, स्लाइड अगर इसकी पूरी है ना तो ये चलेगा इधर आने के बाद। और मैं इसको क्या कर देता हूँ कि जी वो, हाँ ये चल गया ना, स्टार डॉट जिफ, सही है जी, स्टार डॉट जिफ,
हेयर यू गो। सही है जी, ये हमारे साथ साथ घूमेगा। अच्छा अब ये एक प्रॉब्लम है, जब ये पेज लोड होता है ना शुरू में ये कोने में लगा हुआ आ जाता है, इसको यहां नहीं रखना हमें, इसको हमें कहाँ रखना है, इसको हमें रखना है हिडन। मैंने कहा कि जी भाई आपका जो है ना हैश स्टार जो है ना उसको आपने रखना है डिस्प्ले हिडन या डिस्प्ले नन बल गए, राइट। और यहां आने के बाद ना पहला काम मैंने इसको क्या कराना है, इसको जो है ना मैंने डिस्प्ले हिडन ब्लॉक करा दिया इधर आने के बाद मैंने। अब जब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं ना तो ये नहीं होगा इस पे, और जैसे ही मैं पेज पे एंटर होगा ना फिर ये मेरे कर्सर के साथ साथ आएगा। ठीक है, पेज रिफ्रेश किया मैंने, अभी वो पेज पे नहीं है, कर्सर को जैसे ही मूव करूंगा मैं तो ये मुझे मिल जाएगा। सही है, थोड़ा सा इसको अगर मैं बड़ा करना चाहूँ तो बड़ा भी कर सकता हूँ, ये 50 पिक्सल है, इसको मैंने 100 पिक्सल कर दिया। ठीक है, अगर इस पे से मैं इसको विर्थ को हटाई दूँ इटसेल्फ बिल्कुल ही, तो ये जितना बड़ा है उतना बड़ा आ जाएगा ये। सही है, जितना बड़ा ये था उतना बड़ा आ गया। ठीक है, ये 100 पिक्सल हो गया दोबारा से ये। तो बहुत सारी जो बच्चों वाली वेबसाइट है ना, ब्लॉग्स व्लॉग्स आपने देखा होगा, उसमें इस तरह की चीज़ें वो हुई भी होती हैं कि जी वो ऐसे यूँ घूम रहा हो। अब इसमें कोई जोजी मर्जी एनिमेशन लगा दो आप, है ना, कोई ऐसी एनिमेशन लगा दो जैसे वो हवर कर रही हो यूँ, तो वो ऐसा लगेगा कि कर्सर के चारों साइड वो एक साइक्लोन घूम रहा है, हरिकेन घूम रहा है ना, तो उस तरह का। तो किसी भी किस्म की चीज़ आप ये कर्सर के साथ करनी है ना तो ये कर सकते हैं। वेल किसका वेब किट, यार वेब किट का चक्कर ये है कि जो पहले शुरू शुरू में बनते थे ना ब्राउजर, वो ब्राउजर सारे उनकी अपनी अपनी जावास्क्रिप्ट होती थी अलग अलग। सही है, तो वेब किट ये कहते हैं सफारी वाले ब्राउजर को। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं अभी भी जो सिर्फ सफारी पे चलती है, किसी और पे नहीं चलती, सीएसएस में खास तौर पे ये ज्यादा मसला है, तो वो वेब किट करके उसमें लगाएंगे तो चलेगा, अदरवाइज नहीं चलता वो। और वेब किट होता है, एक और कौन सा होता है, तीन, हाँ मॉज होता है, वो मोज़िला फायरफॉक्स के लिए, और तीसरा भी एक होता है। वेल, तो ये डिफरेंट ब्राउजर्स की सपोर्ट के लिए होता है, वो भी पुराने ब्राउजर। मिसाल के तौर पे ये मॉज करके जो है ना, मोज़िला के पुराने वर्जन की बात हो रही है, तो नए वाले में ये शायद किसी हद तक कम हो गया, लेकिन स्टिल अभी भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो भाई जो है ना सफारी में चलती है एक डिफरेंट नाम से, और मोज़िला में चलती है एक डिफरेंट नाम से, और गूगल क्रोम में भी कुछ ऐसे नए फीचर्स हैं जो सिर्फ गूगल क्रोम में चलते हैं, किसी और में नहीं चलते। ठीक है, लेकिन वो बहुत कम है, वो बहुत कम है, हजारों में कोई। बस वो एरो जब गायब हुआ तो फिर जहां छोड़ के गया वो वहीं पड़ा हुआ है वो। हाँ, इसको गायब कराना है, अगर मुझे, अगर एरो मेरा बाहर चले जाए इसको गायब कराना है, कैसे होगा ये, माउस आउट, माउस आउट पे ना मैं वापस रिटर्न करा दूं इसको। आ जाओ करा देते हैं अभी। मैंने कहा जी माउस आउट जब होगा ना तो आपने क्या कर देना है, एक छोटा सा फंक्शन देखो मैं यहीं पे भी लिख सकता हूँ, राइट, जरूरी नहीं है कि मैं अलग से बनाऊं, मैं यहीं पे फंक्शन लिख देता हूँ। मैंने कहा कि जी स्टार डॉट, और ये डिस्प्ले जो है ना ये दोबारा से इसका क्या कर दो आप, नन कर दो। सही है, जैसे ही माउस मेरा ये बॉडी से अगर बाहर निकलेगा, ओए अच्छा ये रिफ्रेश नहीं किया मैंने, बॉडी से जैसे ही ये बॉडी से जैसे ही ये बाहर निकला ना वो गायब, तो बीच में छोड़ के नहीं जा सकता इसको, ये इसके साथ ही बाहर निकलेगा। सही है भाई। अच्छा माउस क्लिक, जब वो माउस के क्लिक पे मैं चाहता हूं कि कोई एक और इमेज ऐसी है वो डिस्प्ले हो, जब तक होल्ड करके रखूं जब तक वो डिस्प्ले रहे और गायब हो जाए, तो ये हो सकता है, या इसी इमेज के ऊपर, इसी इमेज के ऊपर मैं चाहता हूं कि जब मैं क्लिक करूं तो बॉर्डर बना हुआ आ जाए, जब तक क्लिक रहे जब तक बॉर्डर है, उसके बाद छोड़ूं तो गायब हो जाए, है ना, तो ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ।
मैं इसी के ऊपर क्या करूंगा, माउस में, माउस क्लिक होता है क्या? सिर्फ क्लिक होगा यहाँ पे, सही है, क्योंकि मैं ऐड इवेंट लिस्टनर में लगा रहा हूँ ना, तो ऑन नहीं होगा, सिर्फ क्लिक होगा। वो एलिमेंट पे जब लगाते हैं तो ऑन लगाते हैं। तो क्लिक पे मैंने क्या किया कि स्टार के जो स्टाइल डॉट क्या होता है वो बॉर्डर, मैंने कहा कि जी 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ये मैं आ गया, सही है। तो जब मैंने, अच्छा ये क्लिक पे हुआ ना, ये एक्चुअली मैंने गलत किया है। देखो मैंने माउस डाउन किया तो कुछ भी नहीं हुआ, छोड़ा तो ये हुआ है, क्योंकि क्लिक चलता है तीसरे नंबर पे, पहले चलता है माउस डाउन माउस अप। तो मैंने तो माउस डाउन और माउस अप पे कराना है ना, मैंने कहा माउस डाउन, माउस डाउन पे मैंने ये काम कराना है कि जी बॉर्डर आ जाए, अप पे हटा देना है। तो ये आ गया, मैंने माउस डाउन किया बॉर्डर आ गया, अप करता हूं तो हटाना भी है, सही है। तो माउस अप का मैं एक और इवेंट लिसनर लगा दूंगा इधर, माउस अप पे मैं क्या कर दूंगा, इसको 0 पिक्सल कर दूंगा, जस्ट 0 पिक्सल करने से वो खुद ही गायब हो जाता है। क्लिक 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 क्लिक, माउस डाउन माउस अप, माउस डाउन माउस अप, ठीक है। 1 पिक्सल से जरा इसको बढ़ा भी सकते हैं, 5 पिक्सल तक भी ले जा सकते हैं, ठीक है। माउस डाउन माउस अप, माउस डाउन माउस अप, ठीक है। तो इस तरह से जो चीज सोच सकते हो ना वो इसमें हो सकती है, जो चीज आप सोच सकते हो वो इसमें हो सकती है। यानी इसी स्टार को अगर मैं रेड कराना चाहूं, माउस डाउन करने पे इस स्टार को मैं रेड कराना चाहता हूं, क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि मैं इमेज की जगह उसको कैनवस पे डाल दूं, कैनवस पे स्ट्रोक लगा दूं रेड, उस तरह से भी हो जाएगा। या मैं इसको फोटोशॉप में ले जाके ना इस फोटो का एक वर्जन बना लूं जो येलो की जगह रेड हो, तो जब क्लिक पे मैं उसको शो कराऊंगा, क्लिक छूटेगा तो मैं दूसरे को शो करा दूंगा, दोनों ही साथ साथ घूम रहा होगा लेकिन एक हिडन होगा। तो जो जो आप सोच सकते हो ना वो यहाँ पे क्या हो सकता है।